Assalamu alaikum students. In the last lecture we started the topic of column chromatography and adsorption chromatography. और ये हमारे contents थे जो हमने देखे थे कि जो column chromatography है उसका principle क्या होता है, ठीक है ना. जनरल थेरी थी या प्रिंसिपल हमने कहा था adsorption chromatography या column chromatography का. उसके बाद हमने देखा था कि जो क्रोमेटोग्राम होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम कैसे रीड आउट करते हैं, किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट करती है, रेजोल्यूशन क्या होती है जो क्रोमेटोग्राम में पीक्स आती हैं, और किन फैक्टर्स पर जो उसकी सेपरेशन है पीक्स की वो होती है. वो फैक्टर्स क्या थे? माइग्रेशन रेट था, पार्टीशन रेशियो थी, और कैपेसिटी फैक्टर था. सेलेक्टिविटी फैक्टर को हमने देख लिया था. आज हमने शुरू करना है फ्रॉम द कॉलम एफिशिएंसी. कॉलम एफिशिएंसी क्या थी? मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये कॉलम है, कॉलम, दिस इज द कॉलम, ठीक है ना, तो ये कितना एफिशिएंट है. जितना ये एफिशिएंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि सेपरेशन जो है वो जितने भी जो हमारा मिक्सचर है एग्जाम्पल उसमें कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी अफिनिटी किस तरह से वेरी करती है. मैं क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा एडसॉर्प्शन के साथ, एडसॉर्बेंट के साथ जिसकी अफिनिटी होगी वो सबसे ऊपर उसकी लेयर बनेगी. उसके बाद जिसकी उससे कम अफिनिटी होगी उसकी उसके नीचे जो है एक लेयर बनेगी. और इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट होंगे मिक्सचर से. जिसकी और जिसकी सबसे ज़्यादा अफिनिटी होगी मोबाइल फेस के साथ वो सबसे पहले एल्यूट आउट होगा, ठीक है ना. इस तरह से जो सेपरेशन है वो किसी भी क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में टेक प्लेस होती है. अच्छा, अब हमने इसकी कॉलम की एफिशिएंसी को स्टडी करना था. तो वो जो है उसमें होता है थ्योरेटिकल प्लेट्स. थ्योरेटिकल प्लेट्स के हम इमेजिन करते हैं कि ये जो आपका कॉलम है इसमें जितने भी ये देखें, ये तीन, सपोज ये तीन कंपोनेंट्स या सॉल्यूशन लिखा, लेकिन अगर आप इसको कंसिडर कर लो कि ये कौन सा है, ये एक कंपोनेंट अलहदा हुआ हुआ है, ये दूसरा कंपोनेंट, इसकी लेयर्स बनी हुई है ना. तो और ये बनी किस किस हिसाब से ये बनी है, इनको हम कहते हैं कि इसकी जिसकी अफिनिटी एड्सॉर्बेंट के साथ जितनी ज़्यादा थी वो सबसे पहले एड्सॉर्ब हो गया और बाकी जो है वो मूव डाउन होता रहा, ठीक है ना. तो इसको हम कहते हैं कॉलम के में जितने भी पोर्शंस में जिसने में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उस पार्टीशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ये इसकी एफिशिएंसी है. साइंटिफिकली आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि वी अज्यूम डैट द कॉलम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट सेक्शंस at which partition of the solute between the stationary phase and the mobile phase occurs, ठीक है ना. वही बात होगी जो मैंने अभी बताई थी कि हमारे पास क्या है, हम कंसिडर करते हैं कि ये जो पूरा एक कॉलम है ये डिस्क्रीट सेक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है. ईच सेक्शन इज नोन एज थियोरेटिकल प्लेट. जितने सेक्शंस में डिवाइड होगा हम कहेंगे ये क्या है, ये उसकी थियोरेटिकल एक प्लेट है. और एफिशिएंसी को, कॉलम की एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स. जितने नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगे वो कॉलम उतना ही एफिशिएंट होगा. नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैसे ज़्यादा होंगे? जितने आपके पास कंपोनेंट्स की सेपरेशन ज़्यादा होगी, जितने वो डिस्क्रीट जो सेक्शंस हैं उसमें क्लियर कट डिफरेंट डिवाइड हुआ होगा तो हम कहेंगे ये जो कॉलम है वो उतना ही एफिशिएंट है. तो एन को हम शो करते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स से और वो इज इक्वल होती है एल ओवर एच. नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स एन और द हाइट ऑफ द थ्योरेटिकल प्लेट एच बाय द रिलेशनशिप. क्या रिलेशन है? एल ओवर एच, लेंथ ऑफ द कॉलम कि लेंथ टोटल वो कितने जो है वो 25 मिलीमीटर का है, वो 50 मिलीमीटर का है. और एल ओवर एच क्या है हमारे पास कि उसके अंदर जितनी प्लेट्स हैं हर प्लेट की हाइट कितनी है. द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सिंपल रिलेशनशिप. अच्छा, ये बहुत लंबी चौड़ी सी डेरिवेशन है और इसमें
जो है वो आप इसको जस्ट अभी इस स्टेज पे नहीं हो, जिनका पूरा एचपीएलसी का कोर्स होगा ना वो ये डेरिवेशंस करेंगे। आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, इसको याद कर लो अभी फॉर द टाइम बीइंग के नंबर ऑफ थेरेटिकल प्लेट इज इक्वल 16 मल्टीप्लाई टी आर, क्या था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट ए और बी ओवर डब्ल्यू, क्या था डब्ल्यू क्या था आपके पास, इट इज द बेस लाइन विड्थ ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पीक ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट, जो खास था आपके पास। अच्छा अब ये 16 क्या है कि जो हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा बस क्लियर कर दूं कि ये देखिएगा ये जो है ना, ये अब आपके पास जितना भी इसमें जो 16 आया है वो आपका जो नीचे एरिया है वो आपके हाफ पीक पे लिया गया है, 2 पाई रेडियस पे लिया गया है, उसका एरिया क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है वो कहते हैं कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इज इक्वल 16 इंटू टी आर ओवर डब्ल्यू होल स्क्वायर। तो सक्सेसफुल, इसको आप सिर्फ जहन में रखिएगा, आपने इसको डिराइव नहीं करना है। द सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सैंपल यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन, अब किन किन डिफरेंट फैक्टर्स पे वो अफेक्ट कर रही है, अभी हमने देखा था कि नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट यूज टू एल्यूट द सैंपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम, टेम्परेचर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉलम कंटेनिंग एडसॉर्बेंट, ज्योमेट्री ऑफ द कॉलम कंटेनिंग एडसॉर्बेंट, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन। अच्छा अब सबसे पहले कि आपके पास द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू गेट एड्सॉर्ब, कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं कि अल्कोहल बेसिस ग्रेटरली एड्सॉर्ब होती हैं, देन अल्कोहल एसिड एंड बेस, देन अल्कोहल एंड दैट आर मोर स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्ब, देन द एल्डिहाइड एंड देन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉलम एफिशिएंसी क्या है, किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट कर रही है, एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉलम कंटेनिंग द एडसॉर्बेंट, एंड टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू गेट एड्सॉर्ब, कौन सा ऑर्डर है, एसिड बेस देन अल्कोहल देन एल्डिहाइड। देखिए पोलैरिटी जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे उनकी टेंडेंसी जौन सी है वो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस की कि दे गेट एड्सॉर्ब वो भी कम होगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास है कॉलम की एफिशिएंसी किस तरह से, अब इसका सेटअप कैसे हम बनाते हैं, तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लास ट्यूब होता है, उसने कहा कि ये ग्लास ट्यूब हमारे पास सी ड्रॉन एट द लोअर, ये पूरी ग्लास ट्यूब है ठीक है ना, एट द लोअर एंड विद अ प्लग ऑफ, ये नीचे मैंने कहा आपको उस दिन भी बताया था, ये ग्लास वूल से हम इसका बेड बनाते हैं, एट द टॉप ऑफ द कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन टू रिटेन द एड्सॉर्बेंट इन द ट्यूब, उसके ऊपर हम यहाँ पे ये पूरा ये जो सारा पोर्शन है यहाँ पे हम अपने एड्सॉर्बेंट को फिल अप कर देते हैं। अब एड्सॉर्बेंट को फिल अप करने के भी दो तरीके होते हैं, वेट पैकिंग करते हैं या ड्राई पैकिंग करते हैं। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेस द टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्ट पोर्शन टू रिटेन द एड्सॉर्ब इन द ट्यूब ए एड्सॉर्बेंट इन, ये एड्सॉर्बेंट उसने कहा कि ये ए उसने एड्सॉर्बेंट कह दिया। अब फिल्टर फ्लास्क एफ, फिल्टर फ्लास्क एफ को कहता है कि हमने लगाया है कहाँ पे है जी, फिल्टर फ्लास्क एफ ये कि आपका मोबाइल फेस यहाँ से पास ऑन होकर यहाँ से जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। द फिल्टर फ्लास्क एफ अ ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फिल्टर फ्लास्क बाई मीन्स ऑफ वन होल्ड रबर स्टॉपर, ठीक है, ये रबर स्टॉपर से इसको हमने जो है वो किया होता है, अटैच किया होता है, ट्यूब इज कनेक्टेड, अ रिजर्वायर आर कंटेनिंग द सॉल्वेंट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द, ये रिजर्वायर है आपका ठीक है, तो ये यहाँ से पास ऑन होता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, पैकिंग ऑफ द ग्लास कॉलम विद एड्सॉर्बेंट, तो अब जो है इसको हमने इसको पैक करना है, किससे करना है, 2 to 30 cm स्टॉप कॉक नियर द बॉटम इज टेकन, अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग स्टॉप कॉक नियर द बॉटम, ये आपके पास लॉन्ग ट्यूब है जिसमें नीचे एक स्टॉप कॉक होगा जरूर, अ प्लग ऑफ ग्लास वूल और कॉटन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एज शोन इन द फिगर, हो गया
The absorbent is to be packed uniformly in the column excluding air bubbles and channels. कि जो आपके उसमें ना cracks नहीं आने चाहिए जो आपका absorbent है, चाहे वो calcium carbonate का, चाहे वो silica gel का, चाहे वो कोई आपका resin है, तो उसमें क्या होना चाहिए, air bubbles नहीं होने चाहिए और उसमें cracks नहीं होने चाहिए, ताकि smooth flow हो उसमें से mobile phase की. और जो है अगर उसके अंदर एयर बबल्स होंगे या उसमें, तो वो प्रेशर सही से बिल्डअप नहीं होगा और सेपरेशन जोन सी है वो ठीक नहीं होगी. तो वेट पैकिंग क्या होती है, स्लरी ऑफ सॉल्वेंट एंड द एड्सॉर्बेंट, के जो आपका मोबाइल फेज है और जो एड्सॉर्बेंट है वो हम पहले से उसकी स्लरी बना लेते हैं और फिर हम उसे कॉलम में जो है वो पोर करते हैं थ्रू द ओपन एंड एंड अलाउ टू सेटल. The solvent and slurry will flow out slowly through the column, thereby increasing the uniformity of packing process. Dry packing में क्या होगा, देखें यही जो है ना, ये इसमें हमने पहले क्या करना है, पहले हमने इसमें स्लरी, ये जो सॉल्वेंट है और जो आपका एड्सॉर्बेंट है, दोनों को मिक्स कर लिया और फिर हम उसे जो है वो कॉलम में फिलअप करते हैं, फिर हम उसे थोड़ा सा जो है टैप करते हैं ताकि उसमें से सारे एयर बबल्स पास ऑन हो जाए, इसे हम कहते हैं वेट पैकिंग. और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने पहले उसके अंदर सिलिका जेल अच्छे से फिल कर दिया है, उसके एयर बबल्स वगैरह उसको टैप करके अच्छे से जो है, ताकि उसमें से जो है ना, ये देखा ना, यहाँ टैपिंग. दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ सफिशिएंट एड्सॉर्बेंट टू फिल 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ द कॉलम एंड देन टैपिंग दिस डाउन जेंटली बिफोर एडिंग अनदर पोर्शन. ठीक है, थोड़ा सा पहले हमने ऐड किया 2 to 3 सेंटीमीटर तक, उसकी एक बेस बन गई, उसके अंदर फिर थोड़ा ग्रेजुअली हम उसमें ऐड करते गए और उसको टैप करते गए ताकि कहीं पर भी लम्ब्स ना बने उसके आपके एड्सॉर्बेंट के, और वो ईजीली स्मूथ आपका एक बेड प्रिपेयर हो जाए. द सॉलिड एड्सॉर्बेंट कैन बी पुश डाउन विद अ रॉड विच इज़ लॉन्ग ग्लास रॉड. अब हमने इसको अच्छा सा सेट डाउन करने के लिए वो कहते हैं हमें रॉड का यूज़ करना पड़ेगा और वो अटैच टू अ कॉर्क हैविंग डायामीटर स्लाइटली लेस देन द इनर डायामीटर ऑफ द कॉलम. कि कॉलम के इनर डायामीटर से थोड़ा सा कम उस कॉलम होगा जो आपका ग्लास रॉड जिससे आप उसे कर रहे हो, लेकिन ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, आप किसी भी ग्लास रॉड से अच्छे से इजीली वो पैक हो जाते हैं. तो ये आपका कॉलम जो है वो पैक हो जाएगा. अब डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम कैसे होगा, द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज डिजॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, द कॉलम इज वेटेड बाई पोरिंग द सेम सॉल्वेंट एंड अलाउड इट टू ड्रेन सो डैट द लिक्विड लेवल कंसाइड विद द टॉप ऑफ द बैट. कि जब आपने उसको रन करना है तो क्या करना है, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपना मोबाइल फेस के साथ जो आपका मटेरियल है जिसको आपने लिया था, जिसको आपने सेपरेट आउट करना है, प्योरीफाई करना है, तो उसको आपने उसकी उसके अंदर मिक्स करके आपने इसके अंदर पोर आउट करना है और उसको इतना पोर आउट करना है कि ऊपर आपके ये देखे ना, ये किस तरह से एक जो है वो लेयर सी बन जाए ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो, जो है कंटिन्यूसली फ्लो रहे आपके मोबाइल फेस का. द लिक्विड रिजर्वायर इज पोजिशनड सच डैट द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज स्टार्टेड, द डिजायर्ड फ्लो रेट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटी अलोन और बाय अप्लाइंग अ जेंटल सक्शन थ्रू द फिल्टरिंग फ्लास्क. आफ्टर द सैंपल सॉल्यूशन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द कॉलम, द डेवलपिंग सॉल्वेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड इज अलाउड टू फ्लो स्टीडिली थ्रू द कॉलम. ठीक है जी, सैंपल जब सारा सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कॉलम में, डेवलपिंग सॉल्वेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द कॉलम. द डेवलपिंग सॉल्वेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड अलाउड टू फ्लो एज अ डेवलपर percolates through the column, then various constituents of the mixture get separated. If the components are colored, different colored zone will be appear. And if as the process of development continues, the separation become more and more pronounced with the passage of time. The well-developed column is called the chromatogram. If the substance separated are colorless, identification of the separated band is made possible by the use of यूवी लैंप से या डेवलपर्स हम देते हैं, तो उससे हम उसको जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं आपके पास. अब अलूजन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनकी रिकवरी कैसे करनी है, कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द वेल डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम, जब उसके सारे जो उनसे सेक्शन है वो डेवलप हो गए हैं, तो हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट विच कंसिस्ट ऑफ
मोबाइल फेस कैप्ट इन रिजर्वायर इज पास थ्रू द कॉलम ग्रेजुअली एंड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर रिमूव फ्रॉम द एडजॉर्बेंट सरफेस। तो हमने क्या उसमें ऐड करना है, मोबाइल फेस कैप्ट इन द रिजर्वायर इज पास थ्रू द कॉलम ग्रेजुअली, हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें पास ऑन करेंगे और हमारा मिक्सचर का कंपोनेंट्स कौन से हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एल्यूजन एंड द सॉल्वेंट यूज इज कॉल्ड एलुएंट। द वेरियस एल्यूटेड पोर्शंस आर कलेक्टेड वन आफ्टर द अदर एंड ऑन एवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम ईच ऑफ द फ्रैक्शन द प्योर कंपोनेंट्स आर रिकवर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपके पास एड्सॉर्बेंट आ गया, आपके पास डेवलपर आ गया, आपके पास सॉल्वेंट आ गया। तो जो अब एड्सॉर्बेंट है वो कितनी तरह का होगा ना, एड्सॉर्बेंट वीक एड्सॉर्बेंट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट भी होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं। वीक एड्सॉर्बेंट में कौन सा होगा, सुक्रोज अगर आ जाएगा, स्टार्च, इंडोलिन, टैल्क, ये एड्सॉर्बेंट जोन से होते हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर द वीक एड्सॉर्बेंट। इंटरमीडिएट एड्सॉर्बेंट कैसे होते हैं, जैसे लाइम, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो है, स्लैक लाइम, दीज आर द इंटरमीडिएट एड्सॉर्बेंट। और स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट में आ जाता है एलुमिना एंड चारकोल, ठीक है, जिससे आपने अपने कॉलम को फिलअप करना है। अब उसके बाद क्या आता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है बहुत सी तरह के हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो आपके पास जो है उसे में हम उसे कह सकते हैं पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और इसी की बेस पर हम इसको समटाइम क्रोमेटोग्राफी को हम इसकी क्लासिफिकेशन भी इस बेस पर कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो सी है वो मे बी रिवर्स फेज है, या फिर वो आपके पास इसके लिए हम करते हैं कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, और एक आपके पास आ जाती है एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो डिफरेंट आती है। स्टेशनरी फेज डिफरेंट इन नेचर ऑफ टू फेजेस में हम कहते हैं कि आइदर ही मोबाइल फेज इज अ लिक्विड और गैस, और स्टेशनरी और लिक्विड, ठीक है ना। तो इसमें हम अगर ये रिवर्स फेज है तो हम कहते हैं कि आइदर जो है ये आपके पास जो है वो जो सेपरेशन हो रही है वो मोर पोलर से लेस पोलर की तरफ हो रही है, या लेस पोलर से मोर पोलर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑन डैट बेसिस हम इसको सॉल्वेंट की बेस पर भी जो है इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल हम इसको कर देते हैं कि पोलैरिटी की बेस पर भी कहते हैं, चॉइस इज डिटरमिन्ड बाय द फैक्टर लाइक पोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी रिलेशनशिप, कि आइदर वो कौन सा है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, या वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। ऑन डैट बेसिस हम कहते हैं कि हमें कौन सा सॉल्वेंट जो है वो चूज करना है। अच्छा, डेवलपर क्या आ गया, फिर जब हमने सॉल्वेंट भी यूज कर लिया, सॉल्वेंट भी चूज कर लिया, तो लास्टली हमारे पास रह जाता है डेवलपर। तो डेवलपर कौन से हैं, ये क्या करते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस यूज टू प्रोड्यूस कलर विद द कलरलेस सॉल्यूशंस, दीज आर नॉन एज डेवलपर्स। द डेवलपर्स जो है इनकी एक प्रॉपर्टी कि ये लेस अफिनिटी इनकी होनी चाहिए फॉर द एड्सॉर्बेंट देन द आइंस, जिसको कि हमने एग्जामिन करना है ना, उसके साथ उसकी एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एड्सॉर्बेंट जो भी आपने यूज़ किया हुआ है। द स्टैंडर्ड रिएजेंट जो यूज़ करते हैं हम डिवेलपर के तौर पर वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, पोटाशियम थायोसायनेट एंड पोटाशियम फेरोसायनाइड, दीज आर द स्टैंडर्ड डेवलपर्स जो हम नॉर्मली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या आ गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबको पता है कि हम प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डिटरमिन द होमोजेनिटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, कि कोई गिवन सब्सटेंस दिया है इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, अगर हम इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इसको पास ऑन करेंगे और एक की जगह हमारे पास दो पीक्स बनेंगी तो इट मीन्स कि ये होमोजेनस नहीं है, इसमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद है। कंपेरिजन ऑफ द कंपाउंड्स थॉट टू बी आइडेंटिकल, द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन सच एज दोज ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स बाय एक्सट्रैक्शन विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हम प्योरिफिकेशन के लिए, कंसनट्रेट करने के लिए, होमोजेनिटी को डिटरमिन करने के लिए, और कंपेरिजन करने के लिए, क्या हम उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
A successful separation of component from a mixture using the colorimetrography technique will depend on the right choice of the adsorbent and the solvent. ये आगे आ गया जो मैंने भी आपको बताया था. Adsorbent जो सा है वो choice of the adsorbent की base पे separation होती है. It should be insoluble in the solvent, obviously, क्योंकि अगर वो soluble होगा तो वो उसको adsorbent के तौर पे काम नहीं करेगा, वो तो chemical reaction कर लेगा. And it must neither react will be substance to be separated nor act as a catalyst rearrangement isomerization. कोई ऐसा reaction नहीं होना चाहिए. It should be colorless. If zones containing colored compounds are to be located usually, the adsorbent particle should neither be nor too coarse or nor too fine. Average particle size adsorbent का वो कहता है 8 to 12 micrometer in diameter होता है. स्ट्रॉन्ग मोस्ट स्ट्रॉन्ग एडसॉर्बेंट एलुमिना मैंने बताया था रिएक्टिव कार्बन है और इसे प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कमर्शियल एक्टिवेटेड एलुमिना एट रेड हीट पर हम उसे करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 4 hours एंड देन कूलिंग इट इन डेसिकेटर. एलुमिना एक्टिवेटेड इन दिस मैनर इज टू स्ट्रॉन्ग एडसॉर्बेंट एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव द एडसॉर्ब मटीरियल फ्रॉम इट. तो मतलब कि कोई भी मोबाइल फेस के साथ इसकी अफिनिटी जौन सी है वो मिनिमम है और जो आपके पास सल्यूट है उसमें से उसको फिर रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. द मटेरियल मोर सूटेबल फॉर जनरल यूज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कमर्शियल एल्युमिना फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एट अ लोअर टेम्परेचर. सॉल्वेंट भी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. To use a relatively non-polar solvent to replace the mixture of components to be separated on the column. Solvent to develop the chromatogram and even more polar solvent to elute the adsorb material. The choice of the solvent is subject to a wide variation depending on the nature of the mixture of separated substances. An approximate order of increasing polarity of the common solvent is petroleum, ether, carbon tetrachloride, cyclohexane, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, वाइटर एंड पेरेटीन. तो जो आपकी पोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली और मैक्सिमम जो है वो किस पे जा रही है, अल्कोहल, वाटर एंड पेरेटीन. इन अ रिप्रेजेंटेटिव क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस मिक्सचर में बी प्लेस्ड ऑन द कॉलम एज सोल्यूशन इन द पेट्रोलियम ईथर द क्रोमेटो. यानी कि हम दो या तीन जो सॉल्वेंट हैं उनको मिक्स करके एक स्पेसिफिक रेशो के साथ भी पास ऑन कर सकते हैं और जो आपका हाई प्रेशर एच पी एल सी की हाई जो वो सेलेक्टिविटी है और स्पेसिफिसिटी है वो यही है कि हम प्रेशर भी वेरी करके और कॉम्बिनेशन भी वेरी करके सेपरेशन को जो है वो इलेक्ट्रिस्टिक सेपरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. The chromatogram developed with benzene and the different bands eluted with ethanol, and it is possible to use mixed solvent as petroleum, ether, benzene, benzene, ethanol, ethanol water for development and elution to separate compounds which resemble each other closely. So this was all about the column chromatography. इसका कॉलम के बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है और फिर दैट इज आई थिंक हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर जो है वो हो जाएगा. जी अब इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है. ये बाकी आपके साथ मैंने नोट्स और ये ऑलरेडी फाइल जो है वो पीडीएफ की शेयर की हुई है और इसका लिंक जो है वो मैं आपको यूट्यूब का जो है वो सेंड करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.